तारक मेहता के शो से एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया। शायद से तारक मेहता शो के लीड एक्टर जो जेठालाल का किरदार निभाते हैं, जिनका रियल नेम है दिलीप जोशी, वो इस शो को छोड़ सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि दिलीप जोशी और इस शो के प्रोड्यूसर आसिद मोदी के बीच में एक तगड़ी फाइट हुई है। इवन दोनों ने एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ लिया, ऐसे रिपोर्ट्स भी निकल के आए। तो किस बात पर इनकी ऐसी फाइट हुई, इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट कैसे चला गया? क्योंकि आसिद मोदी ने तो पुराने इंटरव्यू में यही कहा कि मेरे ऑल इन वन है जेठालाल, जेठालाल से ज़्यादा सैलरी भी किसकी नहीं है। धीरे धीरे सभी कास्ट मेंबर शो को छोड़ते जा रहे हैं और नए लोग आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से टीआरपी भी गिरती जा रही है। लेकिन दिलीप जोशी ने सिंगल हैंडेडली इस शो को पकड़ा हुआ है। अभी भी दिलीप जोशी को लोग बाग आज भी देखना चाहते हैं एज ए जेठालाल। इवन लोग बाग आज भी इनके पुराने एपिसोड्स देखना पसंद करते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर भी जेठालाल ही होता था, यानी कि दिलीप जोशी ही होते थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया, हीटेड आर्ग्यूमेंट इतना कैसे बढ़ गया कि ये लोग फिजिकल फाइट तक भी पहुँच गए, दोनों ने एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ लिया। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये निकल के आया कि दिलीप जोशी को लीव पर जाना था, लेकिन मोदी जी जो आसिद मोदी हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता, जिसके चलते उन्होंने उनका कॉलर भी पकड़ लिया। काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो गई और उन्होंने थ्रेटन भी किया कि मैं ये शो छोड़ दूंगा। तो ये सब चीज़ें हुई है। हालांकि आसिद मोदी या फिर दिलीप जोशी की तरफ से कोई भी सामने से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, इन दोनों ने कोई कंफर्म नहीं किया। अब देखना है कि इसमें क्या अपडेट आता है। अगर आप जेठालाल को देखना पसंद करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप की लेटेस्ट सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।